हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू करी थी हाउ टू स्टडी सर्विस टैक्स फॉर सीए आईपीसीसी। सर्विस टैक्स के बारे में पहले मैं आपको कुछ खास बातें बता दूं और फिर हम चर्चा करेंगे कि सर्विस टैक्स को पढ़ना कैसे है। सर, सबसे पहली बात, सर्विस टैक्स आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स का आ सकता है। हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि सर, सर्विस टैक्स जो है हमारे लिए लगभग लगभग आता है 30 मार्क्स के आसपास का। सर, ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स का, जबकि मिनिमम साइड पे अगर हम देखें तो सर ये आपको 20 मार्क्स का तो मिलेगा ही मिलेगा। बार बार मैं सर सर्विस टैक्स की इंपॉर्टेंस इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यही सर्विस टैक्स आपके सीए फाइनल में जाके 50 मार्क्स का बन जाता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है अगर आपका बेस स्ट्रांग ना हो तो। ओके, जो बुक मैं इसमें आपको समझाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ वो बुक मैं यूज़ करूँगा, जिसका नाम आप सब जानते हैं, ज्ञानधारा, और जिसको आप लोगों ने अमेज़ॉन पे बना दिया है 1 बेस्ट सेलर। एक बात, बाय चांस अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक फॉर योर आईपीसीसी सर्विस टैक्स, देन यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन। मैं इस वीडियो के साथ का लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा। सो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था? सर, हमने लास्ट वीडियो में एक बात देखी थी, पहला चैप्टर यानी कि बेसिक्स ऑफ सर्विस टैक्स के बारे में हमने कुछ बातचीत करी थी और मैंने आपको बताया था कि उस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी था, सोर्सेज ऑफ सर्विस टैक्स लॉ था, जेनेसिस था, ये सारी बातें। आज बच्चों हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स पे। हाँ जी, किस पे बात करेंगे आज हम? चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स। तो आज हम चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स का चैप्टर देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे उसे कवर करना है। ओके सर, अगर कोई मुझसे पूछे कि चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, सर सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। जनरली स्पीकिंग टीचर्स बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और उतनी अच्छे से कवर नहीं करके जाते जितनी अच्छे से इसको कवर करना चाहिए, और इसलिए सर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये रहा आपका चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स। इस चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स का सर मैं आपको सेक्शन बता दूं जल्दी से, इट इज़ सेक्शन 66B। एक एक वर्ड इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, टैक्स 14%, वैल्यू सर्विस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। ICAI ने एक बार इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि सर प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है। ओके, इस सेक्शन में जो मैंने क्या किया, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्कशन मैंने कर दिया, एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है, हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन है कि प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या है, 1% टू अनदर का मीनिंग क्या है, देन वैल्यू टैक्स रेट सब एवरीथिंग। मेरे हिसाब से चार्जिंग सेक्शन आपको बहुत अच्छे से कवर किया जाना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं बच्चों, जरा देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट दी चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और सर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कभी मेरे स्टूडेंट से मिलिएगा जो भी सर्विस टैक्स मुझसे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, कभी उनसे पूछ के देखिएगा कि चार्जिंग सेक्शन बताओ, आपको पूरा का पूरा चार्जिंग सेक्शन एज इट इज़ बता देंगे। क्यों सर? ट्रेनिंग मैंने उनकी ऐसे कर रखी है। और अगर आप लोगों को भी सर एग्जाम में सक्सेसफुल बनना है, चार्जिंग सेक्शन बहुत अच्छी तरह सर्विस टैक्स याद करके जाना और एक एक एस्पेक्ट पर ध्यान देना कि प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू के लिए कौन सा सेक्शन होता है, टैक्सेबल टेरिटरी क्या होती है। फिर टैक्सेबल टेरिटरी का सेक्शन 64 में आप अगर ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे इस बुक में सारे के सारे कनेक्शंस एस्टैब्लिश करके दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल टैक्सेबल टेरिटरी की बात है तो टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, इसका सेक्शन 64 से क्या लेना देना है, इंडिया की डेफिनेशन क्या है, ये सारे डिस्कशन मैंने यहाँ पे किए। देन सर थोड़ा सा सर्विस टैक्स में अगर आप देखें, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी आ गए तो वो भी सर चार्जिंग सेक्शन से उठ के आ सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं बोलूँगा सर हर बार चार्जिंग सेक्शन से एक क्वेश्चन आना चाहिए 4 to 5 मार्क्स का, और अभी तो उसका टाइम चल रहा है और वो आता रहेगा सर अगले कुछ टाइम तक। स्वच्छ भारत सेस बच्चों, एक ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है, स्वच्छ भारत सेस हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है या नहीं। सर इस पे मैं दोबारा से आपके साथ एक बार बैठूंगा, बातचीत करूंगा, मुझे कुछ और चीज़ों पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ICAI ने क्या सोचा है, क्या करना है, उसके बाद ही मैं आपको स्वच्छ भारत सेस पे रिप्लाई दूंगा कि ये आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। सो ये बच्चों छोटा सा चैप्टर मैंने बनाया चार्ज ऑफ सर्विस टैक्स के ऊपर। आप अगर मेरे साथ ही सर्विस टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो सब बहुत बढ़िया रहेगा कि आप साथ साथ जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए स्लोली स्लोली, या फिर अगर आप सर्विस टैक्स पढ़ने बैठेंगे तो ये सारी वीडियो सीरीज आप संभाल के रखिएगा और आपको ये हेल्पफुल रहेगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सर
आपने बेसिक्स ऑफ सर्विस टैक्स कैसे पढ़ने हैं, देन आज मैंने देखा चार जो सर्विस टैक्स को हमने कवर करना है बहुत अच्छे से कवर करना है। थर्ड वीडियो में बच्चों मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ डेफिनेशन ऑफ सर्विस पे, किस पे डिस्कशन करूँगा जल्दी बता दूँ, डेफिनेशन ऑफ सर्विस जो कि आपको हमारी बुक में मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, और सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तय होता है कि आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। सर ये डेफिनेशन ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, सो लगे रहो एग्जाम की तैयारी करते रहो और साथ में जुड़े रहो। कुछ दो तीन बातें बच्चों जल्दी से ज़रा सुन लो, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारी कम्युनिटी वेबसाइट पे www.caconnect.in। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अकाउंट बना लिया है, जिन्होंने अभी नहीं बनाया है प्लीज़ बना लीजिए, गेट कनेक्टेड। साथ ही साथ ही बुक आपको अगर ऑर्डर करनी है तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। सर्विस टैक्स रिलेटेड आपको अब मैं बहुत सारी वीडियोस दूंगा कि सर कैसे सर्विस टैक्स पढ़ना है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कवरेज के लिए। डू फॉलो देम, शेयर देम, लाइक देम, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड एंड बी पॉजिटिव। ऑल द वेरी बेस्ट।